नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ बहुत ही सीधा और सरल है। व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ? आज मैं बात करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है और हमको कैसे समझ में आएगा कि जिस पथ पे हम चल रहे हैं वो सच में मेरा ही पथ है। क्योंकि आज बड़ी अजीब चीज़ हुई, एक हमारे फ्रेंड हैं वो स्पिरिचुअल यात्रा पे हैं कई सालों से, ऑलमोस्ट 15 साल से, और उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला जिससे ये सारी वार्तालाप काफ़ी गहरी गई। वो कहते हैं, मैं अपने गुरुजी को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कब जा करके मुझे एनलाइटमेंट मिलेगा। ये चीज़ सुन करके मैंने उनसे कहा कि आप छोड़ दीजिए, आप जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो आपका पथ नहीं है, दैट इज़ नॉट योर स्पिरिचुअल पाथ। तो थोड़ा सा नाराज़ हो गए, बोलते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा पथ नहीं है वो। तो जो पॉइंट्स मैंने उनको समझाया मैं चाहता हूँ आप भी समझें। इसको आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर स्पिरिचुअल पाथ। शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब कभी किसी से आप मिलते हैं, किसी स्पिरिचुअल आदमी से, किसी सो कॉल्ड गुरु से, या किसी की किताब पढ़ते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, कुछ समझ में आता है, आप इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, खुश होते हैं, आपको पसंद आता है वो आदमी, तो एक कृपा करिए उसके ऊपर भी और ख़ुद के ऊपर भी, उसको फॉलो करने की कोशिश मत करिए, जल्दबाजी में मत रहिए। अगर वो आपका गुरु है, वो टीचिंग्स आपके लिए अभी हैं, तो आप बहुत जल्दी उस पटरी पर आ जाएंगे, बट पेशेंस रखिए। स्ट्रेट अवे किसी को भी फॉलो मत करिए, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट मत करिए। जैसे एक लड़का और लड़की पहली बार मिलते हैं तो पहले जान पहचान होती है, उसके बाद थोड़ी बहुत नज़दीकी शुरू होती है, फिर उनका अफेयर होता है, उस अफेयर के बाद बहुत से अफेयर टूट जाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ होते हैं जो और नज़दीक आ जाते हैं, और फाइनली रिलेशनशिप बनाने से पहले उनकी शादी होती है। शादी के बाद रियल प्रॉब्लम्स चालू होती हैं कि सचमुच में एक आदमी और औरत दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर हैं या नहीं हैं, और बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ एक हो पाते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल पाथ है और गुरु और शिष्य का रिश्ता, तो उससे भी ज़्यादा गहरा और नज़दीक का है, इसलिए जल्दबाजी मत करिए। एक सवाल पूछिए अपने आप से, व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ? आपके हिसाब से स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है? हमारा मन कहता है जो सामने वाले गुरुजी समझा रहे हैं, जो गीता में, कुरान में, बाइबल में या कबीर ने लिखा है वो है कोई बड़ी बात, कोई ऐसी चीज़ जो उसको पता है मुझे नहीं पता, कृष्णमूर्ति और रमण जिस चीज़ को जी रहे हैं वो। हमारे और आपके देखे स्पिरिचुअल पथ मतलब एक बड़ी सी हाईवे जिसके ऊपर खूब ज़ोर से फुल स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं, एक ऐसा पथ जिसके ऊपर खूब तपस्या और साधना से कुछ लोग चल रहे हैं, और आपकी भी यही कोशिश होती है कि उस गुरुजी की मदद से उनकी बस में मैं बैठ जाऊँ और फिर वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ पर शायद वो पहुँचे हैं। ये जो है ना, ये स्पिरिचुअल पाथ नहीं है, ये आपका आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल पाथ है। जो सचमुच का स्पिरिचुअल पथ होता है वो शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन से, हु आर यू, आप कौन हैं? जब मैंने पहली बार जो सबसे पहली स्पिरिचुअल बुक पढ़ी थी वो थी श्री योग वशिष्ठ, लेकिन उसके भी पहले क्लास 10th में मेरे हाथ में ओशो की पतली पतली 10-10 रुपये की किताबें आती थी, मैं पढ़ता था और बड़ा मज़ा आता था, और उसके बाद माइंड ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि रिवोल्ट करना शुरू कर दिया उसने, और उसके कुछ दिनों बाद एक स्पिरिचुअल गुरु मेरे सामने आए, उनको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। सच पूछिए तो उसका बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो आप ये चाहते हैं आप जिस कंडीशन में हैं उससे ज़्यादा फ्री कंडीशन में पहुँच सकें, उससे ज़्यादा शांत कंडीशन में पहुंच सकें,
स्वस्थ कंडीशन में और बेटर ऑफ कंडीशन में पहुंच सके। लेकिन जैसे ही मैंने उनका स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड किया और उसको फॉलो करना शुरू किया, मेरी लाइफ की मुश्किलें बढ़ गईं। जब मैंने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट किया और पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके गुरुजी आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं, आपकी परीक्षा हो रही है। कितना बेवकूफ़ था मैं। कई साल बाद मुझे समझ में आया कि मुझे यही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। आखिर आप अपने आप को क्या मानते हैं? थोड़ा सा कमेंट करिए इस वीडियो को रोक करके कि अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, आशीष शुक्ला को शीशे में देखता हूँ, तो मैं कौन हूँ? आप क्या आपका नाम है? ये आपकी बॉडी है? आपके मन में चलने वाले विचार हैं? क्या आपने अंदर में करने वाली फीलिंग्स हैं? या आपकी हैबिट्स हैं? आपकी डिज़ायर्स आप हैं कि आपके एम्बिशंस आप हैं, या वो पायस पवित्र अर्जेस जो आपके मन में उठता है जब आप किसी को सुनते हैं, किसी स्पिरिचुअल टीचर को या किसी किताब को? ये सब आप हैं भी, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही पार्ट है जिससे आपको आपका रास्ता मिलेगा। मैंने 2003 में जनुका आने के बाद में रियलाइज़ किया कि आशीष शुक्ला मतलब एक जंबल्डनेस, एक उलझन, एक बंडल ऑफ कन्फ्यूजन। लाओत्से की ताओ ते चिंग में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, उसमें उनको ये भी लिखना चाहिए। वो कहते हैं, इफ़ यू सी द गुड एज गुड दैट इज़ बैड। मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा उसी किताब में कि इफ़ यू सी कन्फ्यूजन एज कन्फ्यूजन दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्लैरिटी। तो आपका स्पिरिचुअल पाथ तब शुरू होगा जब आप अपने आप को देखें और बिना परेशान हुए, बिना हड़बड़ी में आए, बिना डेस्परेट हुए, बिना कुछ चाहे अपने आप को देख करके ये कह सकें, अरे मैं तो कन्फ्यूज़ हूँ। अभी परसों ही शीरीष बहुत परेशान थे, एग्ज़ाम देकर आए और एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो मम्मी को बताया, तो उनकी मम्मी नाराज़ हो गई, तो दुखी थे बेचारे, नाराज़ भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि उनको लगा कि हम तो बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं और उनकी इस भूल पे हम उनको कहेंगे कोई बात नहीं। लेकिन उनकी मम्मी नाराज़ हो गई और वो परेशान हो गए। शाम को जब क्लास में बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा, तुम किस स्टेट में हो? तो कुछ बोले नहीं, बोलते मुझे पता नहीं। मैंने कहा, सच में तुम्हें पता नहीं? बोलते ना। मैंने कहा, इसको कहा जाता है बीइंग इन कन्फ्यूजन। तो बोलते, हो सकता है। मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं ना, इसका मतलब है कि तुम कन्फ्यूज्ड हो। बोलते हाँ। मैंने कहा, इसी को रिपीट करो कि आई एम कन्फ्यूज्ड। और जैसे ही उन्होंने रिपीट किया आई एम कन्फ्यूज्ड, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सुबह से शाम तक उनका चेहरा एकदम एंगर में था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप से कहा आई एम कन्फ्यूज्ड, वो रिलैक्स हो गए। तो सबसे पहले स्टेप में अगर आप अपना स्पिरिचुअल पाथ खोजना चाहते हैं तो पहले देखिए कि आप कन्फ्यूजन हैं, क्योंकि आपका अंदर का स्टेट सब गड़बड़ है। इसको ठीक करने से पहले पहचान में तो आए कि गड़बड़ है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया कृष्णमूर्ति के ऊपर, उसमें एक औरत बोलती है, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन दीजिए। बेचारी बहरी औरत थी, सुनती बोलती नहीं थी, उसके बच्चे थे, उसके पति उसको छोड़ के चले गए, तो बोलती मुझे अपनी प्रॉब्लम की सलूशन चाहिए। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम कितने बेसब्र होते हैं प्रॉब्लम्स का सलूशन पाने में। हम इतने बेसब्र होते हैं, इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं चाहते। तो आज अपने आप से कम इस रियलिटी को देख करके पहचानिए कि यू आर अ बंडल ऑफ कन्फ्यूजन। अच्छा, उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ फ़लाँ गुरुजी या फ़लाँ फ़लाँ किताब जिसको मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा पाथ नहीं है। उसमें तीन चार चीज़ें हैं, असल में एक ही चीज़ है, लेकिन आपको अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करके, अपने फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करके
पहचानना होगा। जैसे किसी मरीज का ब्लड टेस्ट हम करते हैं तो WBC काउंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, ऐसे ही आपको अपने मन को, अपने थॉट्स को पहचानना होगा। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको अपनी साधना करने पर जॉयलेस फील होगा, मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसको इमिटेट कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, आपकी भाषा उस आदमी जैसी हो जाएगी, आप उस आदमी की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। असल में आप वो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अंदर अंदर से आपको मन करेगा कि नहीं, अगर मैं उसको कॉपी कर लूँ, आपको पता चलता जाएगा कि मैं इमिटेट कर रहा हूँ, एक नकलीपन की फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको एक सिस्टम में बांधा जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा ना कि कब तक मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, पता नहीं कब मुझे एनलाइटनमेंट मिलेगा। जैसे स्कूल में बच्चों को ड्रेस पहनाया जाता है, वो आते हैं घर पे फेंक देते हैं अपना स्कूल ड्रेस, और वहीं पर एक आश्रम में जब एक भिक्षु को या एक साधु को उसका गुरु दीक्षा देता है और उसको उसका रोब देता है, कपड़ा देता है भिक्षु का, तो उसके लिए ये कोई काम नहीं है, वो फ्रीडम है। बुद्ध ने अपना सब छोड़ छाड़ दिया, वो त्याग नहीं था, वो झंझट था उनके लिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत रास्ते पे हैं? आपको कंस्ट्रेंड फील होगा, जॉयलेस फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी को कॉपी कर रहे हैं। अब आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं राइट पाथ पे हूँ? इसके लिए हम जनोगा में एक बहुत ही ख़ास टर्म पढ़ते हैं, डिस्कवरी। जनोगा कहती है, स्पिरिचुअल पाथ कैनॉट बी ट्रेडेड अनटिल इट इज़ डिस्कवर्ड। कोई भी आदमी किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को तब तक नहीं चल सकता जब तक कि उसने उसको डिस्कवर न किया हो। अभी डिस्कवर क्या होता है? हम सब डिस्कवर करते हैं, हम सब के अंदर में एक लिटमस पेपर है, एक टेस्ट करने की, चीज़ों को जांचने की, समझने की एक फैकल्टी है। आप जाते हैं फिल्म देखने, आप निकलते हैं, आप बोलते हैं बेकार फिल्म थी, और वहीं पर आप किसी फिल्म को बहुत अच्छा बोलते हैं, अब 10 लोगों को बताते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई फिल्म अच्छी है ख़राब? आपने डिस्कवर किया। आप खाना बनाते हैं, खाते हैं, आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, खाते हैं आप, अच्छा लगता है, ठीक है, नॉर्मल खाना है, लेकिन वहीं किसी स्पेशल रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, उसका खाना बहुत फेमस है, और जैसे ही उसकी सब्जी अपने मुंह पे रखते हैं आप बोलते हैं वाह मज़ा आ गया। कैसे पता चलता है कि इसका टेस्ट परफेक्ट है? वो है प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। इसको जनोगा में हम कहते हैं अ फीलिंग ऑफ फंक्शनल वेलबींग, एक ऐसी फीलिंग जो किसी एक्टिविटी को करते समय आप फील करते हैं। जैसे अच्छा खाना खाते समय, अच्छा कपड़ा पहनते समय, किसी समझदार, किसी शांत इंसान से बात करते समय, कुछ अच्छा काम करते समय, या कोई चीज़ सीखते समय। आप गाड़ी सीख रहे हैं चलाना और अचानक से आपने पहली बार कंट्रोल किया अपनी कार, अपनी बाइक, अपनी साइकिल को पहली बार बैलेंस किया। आप एज अ फादर, एज अ सन अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन अचानक से आपने कुछ ऐसी बात कह दी, ऐसा एक्शन कर लिया कि आपको लगता है यस मुझे ऐसे ही करना चाहिए था। इसको जनोगा में कहा जाता है फंक्शनल वेलबींग। और ठीक ऐसा ही आप फील करते हैं जब आप प्यार में पड़ते हैं, तभी फीलिंग आती है यार यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसीलिए हम उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। इनफैक्ट सब कुछ छोड़ना काम नहीं होता, वो फ्रीडम होती है। जब हनुमान राम के दास बने तो कोई काम नहीं था, जब अर्जुन ने कृष्ण को सरेंडर किया तो वो कोई काम नहीं था, ही कुड फील दैट। इसको जनोगा में हम कहते हैं अ फीलिंग ऑफ फंक्शनल वेलबींग। और स्पिरिचुअल पाथ पे तो एक और लेयर गहरे जाना पड़ता है। जब आप राइट पथ पे होंगे ना, तो जिस समय आप अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं उस समय तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी आएगी,
लेकिन जब आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी चल रही है, आप खाना बना रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ हस्बैंड, आप जो भी रोल्स प्ले कर रहे हैं उसमें आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नई चीज़ें डिस्कवर कर पाता है और उसको ये फील होना शुरू हो जाता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मुझे पहली बार जब जनुका मुझे मिली थी तो मैं लेट उठने वाला लड़का था। इसके बारे में मैंने मान लिया था कि मैं जल्दी नहीं उठ सकता। और दूसरी मेरी आदत थी टालना। किसी ने मुझसे कुछ काम कहा, मैं कहता था हाँ करूँगा, फिर भूल जाता था, फिर बहाने बना देता था। मैं इतना फेमस हो गया था अपने दोस्तों के बीच में कि उन्होंने नाम ही रख दिया था कि ये तो फेकू आदमी है, अगर इसने कह दिया है कि वो 10 बजे आएगा तो 11 बजे आएगा और कोई बहाना दे देगा। और फिर एक दिन जरूर आने के बाद जब मैंने टाइम बताया दोस्तों को कि मैं 10 बजे पहुँचूँगा, तो मैं 9:98 पर पहुँच गया। तो उन्होंने मेरी घड़ी देखी और बोलते हैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैं भी सरप्राइज्ड, मुझे लगा तुक्के से हो गया होगा, लेकिन फिर 2 बार 3 बार 10 बार 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 होने लगा। तब मुझे एहसास हुआ, मैंने डिस्कवर किया कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ऐसा होता है, आपको अपने प्रोग्रेस का अंदर से साइंस मिलते हैं, तो आपको बाहर से नहीं पूछना पड़ता कि बताइए गुरुजी मैं किस स्टेट पर हूँ, मैं सेक्शन 2 कब खुलेगा, सेक्शन 3 खुलेगा तो कैसा फील होगा। ना, वो आपका डे टू डे एक्टिविटी, पूरे दिन की जो चर्या है वही सर्टिफिकेट बन जाती है। इसीलिए स्पिरिचुअल पथ पे लोग आपको डिग्री नहीं देते हैं कि आइए आपका MBBS हो चुका है, आप योगी बन चुके हैं, ले जाइए सर्टिफिकेट, क्योंकि आपका माइंड का ग्रोथ आपको डेली फील होता है। आप सोते हैं नींद में, सपना प्रूफ होता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो लेकिन आपका भरोसा मजबूत होने लगता है। इसीलिए इसको कहा गया है सेल्फ रियलाइजेशन। आप किसी और को नहीं रियलाइज करते हैं, आप खुद को रियलाइज करते हैं। अब आज का लास्ट पार्ट, ऐसा क्यों नहीं है कि आप जाएं किसी गुरु के पास और उसकी बातें सुने और उसको फॉलो करें और काम हो जाए। लाइफ ने ऐसा क्यों बना रखा है कि चीजें आसान नहीं हैं? क्योंकि हम सब के सब इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, अकेले हैं लेकिन हम यूनिक हैं। और ये यूनिकनेस बनती कैसे है? हमारी अंदर की टेंडेंसीज से, हमारे लाइक्स से और हमारे डिसलाइक्स से। इनको जरूर में हम पुकारते हैं बाय द नेम ऑफ वासनास। बहुत छोटी छोटी बारीक वासनाएं, और ये सारी वासनाएं जब इकट्ठी होती हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, V वासना। और जरूर में हम पढ़ते हैं जरूर एडवांस में कि डेथ के बाद ये सारी वासनाज एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ब्लूप्रिंट की तरह तैयार होती हैं अगले जन्म के लिए। इसलिए कहा जाता है दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब अलग अलग टाइप की के स्पिरिचुअल पाथ होंगे, और एक आदमी केवल वही स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकता है जो उसके लिए है, उसकी वासना के हिसाब से है। इसीलिए गुरुदत्त जैसे लोगों के 24 गुरुज हैं, बुद्ध के ढेरों गुरु हैं लेकिन वो खुद के गुरु हैं। हर एक स्पिरिचुअल गुरु का, हर एक इंसान का अपना खुद का पाथ है, क्योंकि उसका पाथ निकलता है उसी के अपने माइंड से। जैसे आपकी जीभ का स्वाद आपका होता है, कब कैसा खाना खाना चाहते हैं वो आप जानते हैं, आपके विचारों में से निकलता है आपका स्पिरिचुअल पाथ। इसलिए फ्रेंड्स, सुनिए सबको, मुझे भी औरों को भी, लेकिन फॉलो करने की जल्दी में मत रहिए।
आप फॉलोअर बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप मुक्त बनने के लिए पैदा हुए हैं, फ्री होने के लिए। इस नॉलेज को शेयर करिए अपने फ्रेंड से, जल्दबाजी में मत रहिए, उनसे भी कहिए जल्दबाजी में ना रहें, खूब स्टडी करें, खूब ठोक बजा के चेक करें और देखें जिस चीज़ से उनको अंदर की फंक्शनल वेलबींग फील हो रही है, अपनी ग्रोथ फील हो रही है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, वही है आपका पाथ, ठीक है। और हम भी यहां पर जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स में आपका स्पिरिचुअल पाथ नहीं बताते, आपको पहले थियोरी डीपली समझाते हैं और उसी से आपको मदद मिलती है अपने पथ को खोजने के लिए। और जब आप एडवांस लेवल पर पहुँचते हैं तो आपके गुरु खुद आते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके अंदर से वो आपकी उंगली पकड़ते हैं और एक एक स्टेप आपको आगे ले जाते हैं, ठीक है।